नीतीश कुमार ने हाल में दिल्ली में G20 के डिनर में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी मिले। उसके बाद बिहार में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार के एनडीए में आने की चर्चा को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जाने लगे। इस बीच कई नेताओं के बयान भी पूरी तरह बदल गए हैं। ताजा मामला उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई समस्या नहीं है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के बडेम गांव में एक मिलन समारोह में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कई बातें कही। उन्होंने नीतीश कुमार, एनडीए और सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बयान दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने सवाल किया कि कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कुशवाहा ने कहा कि ये अभी तय नहीं किया गया है, मगर एनडीए की ओर से हम चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, सीट कौन सी होगी और कितनी होगी ये तय होने के बाद बता देंगे। ध्यान रहे कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में दो सीटें हैं, एक औरंगाबाद का काराकाट संसदीय सीट और दूसरा जहानाबाद। इन दोनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कब्जा है। उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने कई तरह के सवाल किए। उसमें यह भी पूछा गया कि जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी थी वो अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपका सूत्र कमजोर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई आए या नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एनडीए का हिस्सा जरूर रहूंगा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा से ये पूछा गया कि यदि नीतीश कुमार दोबारा एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो आप क्या कहेंगे। उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हम एनडीए का हिस्सा बने हैं, किसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से ये साफ था कि सीएम नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा को कोई समस्या नहीं है। सियासी जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली में सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाने के बाद कई नेताओं के तेवर बदल गए हैं। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा भी उसी श्रेणी में शामिल हो। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा नपा तुला बोलते हैं। 20 फरवरी 2023 को जेडीयू छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जून महीने में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने जेडीयू को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले ही जेडीयू खत्म हो जाएगा। जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है, लगातार लोग छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बचे हैं उन्होंने भी कहीं और ठिकाना तलाश लिया है। आने वाले दिनों में इस भगदड़ का सबको एहसास होगा। नीतीश कुमार अभी विपक्षी एकता के अगुआ बनकर खुश हो रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है।